the online class of Prayag Public School. Today I am here with English language class 2. Today I am going to revise chapter number 9, is, am, are, was, were. Okay, is, am, are, was, were. It's your subject enrichment chapter. Okay, it's your subject enrichment chapter. Is, am, are, was, were. Okay, is means hai, am means hum, are means hai. Okay, is, am, are, was means tha, were means the. Okay beta, to I hota hai na, aur is, am, are kya hai, ye present, jo cheeze ghat rahi hai ya vartaman mein hai, theek hai, jo cheeze upasthit hai, ठीक है, जो चीज़ें प्रेजेंट में हैं ना, है बोलते ना, है, ठीक है. मैं एक टीचर हूँ, ठीक है, आई एम अ टीचर. तो इज एम आर प्रेजेंट में यूज़ होता है, वॉज वर यानी था और थे, ये आपका पास्ट में यूज़ होता है. ओके, तो लेट्स रीड नाउ. होता है सिर्फ आई जो सब्जेक्ट है उसके साथ ही एम यूज़ होता है, और किसी भी वर्ड के साथ एम का यूज़ नहीं होता. सबसे इजी आप याद रखोगे, एम मीन्स हूँ, सिर्फ आई के साथ ही एम का यूज़ होता है. आई एम अ बॉय, आई एम अ स्टूडेंट, ठीक है, आई एम गोइंग टू मार्केट, ठीक. तो आई के साथ ही सिर्फ एम का यूज़ होता है, और एम आपको कहीं यूज़ ही नहीं करना, ठीक. आर इज़ यूज फॉर टू और मोर persons. आपने वन और मेनी पढ़ा है ना, सिंगुलर और प्लूरल है ना. तो जो आर है, आर मीन्स हैं बेटा. आर क्या होता है ना, तो आर मोर persons, टू या मोर persons के साथ यूज होता है, मतलब प्लूरल के साथ. जब एक से ज़्यादा होते हैं तो आर मीन्स हैं. और यू के साथ भी आर का यूज होता है, यू मीन्स तुम होता है ना, यू के साथ भी आर का यूज होता है, ठीक है. यू आर अ बॉय, ठीक है. दे आर प्लेयर्स, लुक हियर. तो आर इज यूज फॉर टू और मोर persons यानी प्लूरल के साथ. आर इज यूज विद यू, और यू के साथ भी यूज होता है, ठीक. आई, देयर इज सम एग्जाम्पल्स, लुक ऑन इट. आई एम अ स्टूडेंट, आई एम अ स्टूडेंट, आई एम अ स्टूडेंट, मैं एक स्टूडेंट हूँ. He is a player. He singular है ना, one है ना. तो जो is हमारा होता है बेटा, वो singular के साथ यूज होता है, ठीक, एक के साथ. और am सिर्फ I के साथ यूज होता है. जो R है आपका, R वो plural यानी many के साथ, जब एक से ज़्यादा होते हैं यानी plural, तो many के साथ R यूज होता है, ठीक. अब देखिए यहाँ पे, I am a student. He is a player. He means वह, और he singular है ना, एक ही person के लिए he आता है. बहुत सारे लोग खड़े तो हम he नहीं बोल सकते, तब हम they बोलेंगे ना. तो he is a player. We are playing Ludo. We are playing Ludo. अब we means, we plural में आता है, we means हम, तो हम में कई लोग आ जाते हैं ना. तो we are playing Ludo. These are basketballs. These या those, ये भी plural होता है. ये या वो, दीज जब पास होता है तो दीज मतलब दीज आर बास्केटबॉल्स. अगर दूर होता तो बोलते दोज आर बास्केटबॉल्स. दीज पास के लिए होता है, दोज, तो ये या वो ना. लेकिन ये होता क्या है, ये प्लूरल होता है, तो इसीलिए यहाँ पे हमारा आर का यूज हुआ है, ठीक है. तो दीज आर बास्केटबॉल्स. तो दीज हमारा क्या है, प्लूरल है. दीज हमारा क्या है, प्लूरल है. ओके बेटा, तो इज, एम, आर व्हेन वी टॉक अबाउट समथिंग इन द प्रेजेंट. इज, एम, आर यूज्ड, यहाँ पे यूज्ड होगा. इज, एम, आर यूज्ड व्हेन ओके बेटा, when we talk about something.
इज एम आर यूज्ड व्हेन वी आर टॉक अबाउट समथिंग इन द प्रेजेंट, जो चीज़ उपस्थित है, जो चीज़ है उसके लिए ही है. इज एम आर का मतलब ही होता है या हैं, ठीक है बेटा. एम का मतलब हूँ होता है. तो प्रेजेंट में जो चीज़ वर्तमान में हो रही है, ठीक है, जो काम हम कर रहे हैं प्रेजेंट, हमने बताया ना प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर भी आपको समझाया ना. प्रेजेंट जो चीज़ बीत, जो चीज़ हो रही है वो प्रेजेंट में हो रही है. अभी हम आपको पढ़ा रहे हैं तो आप बोलेंगे हम मैम का वीडियो देख रहे हैं. अगर हम जब पढ़ा लें, आपने कहा ना कि हमने मैम का वीडियो देखा था, तो वो पास्ट हो गया. अभी आपने हमारा वीडियो नहीं देखा है, अभी आपको देखना है, तो आप क्या बोलेंगे, मैं मैम का वीडियो, मैं इंग्लिश का वीडियो देखूंगा, तो वो फ्यूचर हो गया, यानी भविष्य जिसको बोलते हैं. ठीक है, तो आर आपका क्या होता है बेटा, मेनी के साथ यूज होता है, यानी प्लूरल के साथ यूज होता है. और इज एम आर यूज्ड होता है जब कोई चीज़ प्रेजेंट यानी वर्तमान में जब बात होती है. ठीक है, अ वाज इज यूज्ड फॉर सिंगुलर एंड विद आई. अ वाज क्या होता है, सिंगुलर, वाज मीन्स था, वर मीन्स थे. अ वाज हमारा जो होता है बेटा वो सिंगुलर के साथ यूज होता है और आई के साथ भी यूज होता है. वर मीन्स थे. वर इज यूज्ड फॉर मेनी प्लूरल. वर एक से ज़्यादा के लिए, एक से ज़्यादा के लिए आपका क्या यूज़ होता है, वर यूज़ होता है, यानी थे. आई वॉज सरप्राइज्ड, मैं आश्चर्यचकित था. ही वॉज एलोन, वह अकेला था. तो आई भी और ही क्या है, सिंगुलर ही है ना, एक है ना, तो इसीलिए इसके साथ वॉज का यूज़ हुआ. यू बेटा, यू के साथ वर का यूज़ होता है, ये सेकेंड फॉर्म होता है ना, तो यू के साथ वर का यूज़ होता है. यू वर प्रेजेंट इन द स्कूल, तुम स्कूल में उपस्थित थे, तो यू के साथ वर आता है. दे मेनी, एक से ज़्यादा हुआ, दे मीन्स वे, ये तो प्लूरल है, उसके साथ भी आपका क्या यूज़ होता है बेटा, आपका वर यूज़ होता है मेनी के साथ. तो ठीक है, और ये पास्ट में, ये सब बीते हुए, कल था या थी. कहते हैं कोई काम, हमने कहा मैं खाना खाता हूँ, तो मैं खाना खा रहा हूँ, तो ये प्रेजेंट की बात हो गई ना. मैंने खाना खाया था, ये पास्ट की बात हो गई. मैं खाना खाऊँगा, ये फ्यूचर की बात हो गई. तो पास्ट के साथ बेटा हम क्या यूज़ करते हैं, वॉज और वर का यूज़ होता है. वॉज हमारा सिंगुलर के साथ आता है और आए के साथ आता है. वर हमारा प्लूरल के साथ आता है, यानी मेनी के साथ. और बेटा यू के साथ भी वर का यूज़ होता है. बस इतना ही आप सफिशियंट है आपके लिए, आपके अकॉर्डिंग टू क्लास आप इतना याद रखोगे तो इज एम आर वॉज वर का यूज़ आप ईजिली कर पाओगे. ओके बेटा, देन होमवर्क आई विल गिव यू, एक्सरसाइज रिलेटेड दिस. लिसन गाइज, ये जो आपका बेटे ये है ना, इसको आप क्या करोगे, एक रफ कॉपी में ही लिखोगे. एक रफ कॉपी में लिख लोगे तो ये आपका क्लास वर्क हो जाएगा. क्या हो जाएगा, क्लास वर्क हो जाएगा. ठीक, ओके, ये आपका क्लास वर्क हो जाएगा. और होमवर्क मैं इससे रिलेटेड वर्कशीट दूंगी. हाँ, और इसको जो व्हाइट बोर्ड में मैंने लिखा है, इसको रफ कॉपी में लिखेंगे. ठीक, ओके, तो इट्स ओके देन. और होमवर्क आपका क्या होगा, मैं इससे रिलेटेड आपको वर्कशीट दूंगी. ओके, हैव अ गुड डे.